राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नारायणगढ़ में श्री अंकुर पासी जी डीएलएसए की तरफ से आए और इन्होंने ट्रैफिक रूल्स के बारे में और एनिमल राइट्स का जो विषय था इस पर बहुत अच्छी जानकारी दी और हम सराहना करते हैं ऐसे प्रयत्नों की, इससे हमारे छात्रों को भी प्रोत्साहन मिलता है और मार्गदर्शन। सर्वप्रथम सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हमारे विद्यालय में श्री अंकुर पासी जी और श्री मुकेश जी टीएलबी उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम मैं इनका हार्दिक धन्यवाद करता हूं और इन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाला। उसके बाद आज हम चर्चा करेंगे ट्रैफिक रूल्स के बारे में, ये क्यों ज़रूरी है। देखिए, हमारा देश जो है एक विकासशील देश है और यदि हम इनका पालन करेंगे तो हम अपना जीवन भी बचा सकते हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि आजकल बहुत सी दुर्घटनाएं हो रही हैं जो हमारी कुछ सेकंडों की गलती के कारण जो है आदमी को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ जाता है। तो इसके लिए क्या प्रिकॉशन रखें? सर्वप्रथम हमें धैर्य की ज़रूरत है, वाहन चलाते समय धैर्य जरूर रखें, पेशेंस रखें, जल्दबाजी ना रखें मन में। कोई भी अगर टेंशन में है आप तो ड्राइविंग ना करें, किसी अपने अन्य मित्र को साथ ले जाएं या जो व्यक्ति अलग आप ड्राइवर हायर करके ले जाएं, लेकिन टेंशन में गाड़ी कभी भी मत चलाएं। दूसरा जो है पेशेंस रखनी है आपने कि भाई आपने जब जाना है अपने गंतव्य पे पहुंचना है तो मैं चाहता हूं कि आप उसको इस समय किस हिसाब से मार्जिन लेके चलें कि आप 10-15 मिनट पहले चलें, ठीक है ना, ताकि आप आराम से चल के आपको भागा दौड़ी नहीं रहेगी। और अब रास्ते में जाते हुए सर्वप्रथम सबसे पहले अपने इष्ट देव को भी याद करें, भगवान का नाम लें, क्योंकि वो सदा सहायता करता है, आपकी बुद्धि विवेक को जागृत रखेगा, उससे आपकी ड्राइविंग ठीक होगी। सर्वप्रथम इष्ट देव का नाम लें, नमस्कार करें कि हे प्रभु आप रक्षा करें और मेरी यात्रा मंगलमय हो, सफल हो। तो फिर बाकी आप जानते ही हैं, सभी बुद्धिजीवी वर्ग हैं कि हमें कैसे रूल्स एंड ट्रैफिक के आप सभी जानते हैं, हमें बाईं तरफ चलना चाहिए, क्या है ओवरटेक करते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, सीट बेल्ट हमें पहननी चाहिए, दोपहिया वाहन में हेलमेट, अब क्या करते हैं हेलमेट तो ले लेते हैं लोग, कई बार क्या करते हैं उसकी जो नीचे वाली जो हमारी बेल्ट है हेलमेट वाली वो नहीं बांधते, उसको टाइट बांधना है हमें, क्योंकि कई दुर्घटनाएं ऐसी भी हुई हैं कि व्यक्तियों ने हेलमेट ले रखा था परंतु वो जब कोई दुर्घटना हुई हेलमेट सिर से निकल के गिर गया और उनको बहुत भारी इसके संदर्भ में नुकसान उठाना पड़ा, भारी चोट लगी, तो उसको अच्छी तरह से कस के जरूर बांधें हेलमेट को। उसके बाद अपने वाहन को बिल्कुल संतुलित ढंग से चलाएं, ईश्वर का नाम धन्यवाद भी करें जब आपकी यात्रा पूरी हो जाए। तो ये दूसरों को भी हमने बचा के चलना है, खुद भी बचना है, बिल्कुल पेशेंस रखें, आराम से बिल्कुल सजगता से चलाएं, तो ताकि अगर हम इनका पालन करेंगे तो जो दुर्घटनाएं हो रही हैं रुकेंगी। हमारा देश जो है विकासशील देश है तो इससे क्या होगा कि जो नवयुवक हैं जो अपनी जान गंवा बैठते हैं उनकी तो देश को ज़रूरत है, वो कल नई पीढ़ी का नए आयाम का निर्माण करेंगे, तो उनको हमारे लिए बहुमूल्य है हमारा युवा वर्ग, और ज़्यादातर ये दुर्घटनाएं उन्हीं कारण हो रही हैं, वो नशे का शिकार हो जाते हैं, नशे में ड्राइविंग करते हैं, तो हमें उस वर्ग को बचाना है ताकि भविष्य के लिए हमारे देश का वो कर्णधार है, हमारा देश विकसित हो सुरक्षित हो। तो मैं यही मंगल कामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ, नमस्कार। उसके जानकारी देने के लिए हमारे मध्य में अंकुर जी और मुकेश जी पधारे हुए हैं। मैं आपका अपने विद्यालय परिवार में अपने बच्चों के द्वारा अपने द्वारा स्टाफ से आपका अभिनंदन स्वागत वंदन करता हूँ और आप द्वारा दी गई जानकारी हमारे बच्चे अखूबी इसका पालन करेंगे और खुद को भी बचाएंगे और अन्य को भी बचाने और उसको प्रेरित करने के प्रयास करेंगे। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। पहले मैं अपनी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, मेरा नाम अंकुर पासी एडवोकेट है और मैं कोर्ट में एज एडवोकेट मतलब वकील के तौर पर प्रैक्टिस करता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि सर ने आपको बताया कि मैं यहाँ पर यातायात से मतलब जुड़े हुए नियम बताने के लिए आया हूँ, एक हमारा टॉपिक और है ह्यूमन राइट्स का, वो भी बताने के लिए आया हूँ यहाँ। तो आप सब कौन सी क्लास के बच्चे हैं? तो आपको यातायात के नियम पता है क्या होते हैं? पता है किसी को? कोई भी अपनी मर्जी से नियम बताना स्टार्ट करेगा? जो इन सब ने रूप बता दिए ना उनको छोड़ के कोई कोई नया नहीं सर। चलो कोई बात नहीं, आप बताओ।
और कोई चलो बताओ पूरी साल तो रोकी है तो उसके नियमों का पालन करना चाहिए बहुत अच्छी बात और क्या कर सकती सड़क क्रॉस ध्यान से करनी चाहिए अब इन्होंने बताया कि सड़क क्रॉस ध्यान से करनी चाहिए वो कैसे जब देखो आपने रेड लाइट पर रुकना है रेड लाइट का मतलब क्या होता है रुकना स्टॉप होना है और येलो लाइट का मतलब क्या होता है टू लुक देखना दाएं बाएं देखना ठीक है और ग्रीन का मतलब क्या है चलो अब आप लोगों ने सोच लिया कि सीट बेल्ट डाल दिया क्यों डाल दी ये पता है एक्सीडेंट से बचने के लिए लेकिन आजकल की टाइम सीट बेल्ट लगाने के बाद अगर एक्सीडेंट हो जाए फिर कोई कुछ खड़ो देखता अपने आप अपनी गलती से खड़ा अगर सीट बेल्ट लगाने के बाद एक्सीडेंट हो जाए फिर क्या होगा फिर भी जान जाएगी ना सीट बेल्ट लगाने के बाद भी जान जाएगी लेकिन जो आजकल की गाड़ियां आ रही है उनमें एयर बैग आ गया एयर बैग सबको पता है ना एयर बैग के बारे में सबको पता है जो गाड़ी होती है ना गाड़ी के अंदर स्टीयरिंग होता है स्टीयरिंग में भी एयर बैग होता है और वो पैसेंजर जो ड्राइवर के साथ वाला जो होता है ना यात्री उसके पास भी एयर बैग होता है अगर आपने सीट बेल्ट लगाई होगी और आज ड्यूअल एयर बैग हर गाड़ी में आ रहा है दो एयर बैग हर गाड़ी के अंदर आ रहा है ठीक है अगर आपने सीट बेल्ट लगाई होगी तो वो एयर बैग तभी काम करेंगे तभी खुलेंगे और वो एयर बैग क्या है वो दोबारा ठीक है जैसी गाड़ी का एक्सीडेंट होगी गाड़ी चेंज कराएगी ना तो उसके नंबर प्लेट में सेंसर लगा होता है ठीक है सेंसर का तो पता है सेंसर तभी डिटेक्ट करेगा जब एक्सीडेंट होगा गाड़ी या दबाव पड़ेगा जैसे वो टकराएगी उसी टाइम एयर बैग खुल जाएगा और आप लोगों की जान बच जाएगी ठीक है ना गाड़ी चाहे पूरी कम से कम 10,000 रुपए से चलाओ स्टार्ट हो गया में और लाखों लाखों रुपए ही पड़े अभी मेरे पास एक केस आया था उसके अंदर मैं मतलब लाइव एग्जाम्पल दे रहा हूँ लोकल है हम लोग ठीक है तो एक लाइव एग्जाम्पल दे रहा हूँ मेरे पास एक केस आया था ट्रैक्टर बंदे ने लिया 3.5 लाख रुपए का ठीक है उसका चलान कट गया चलान किसने कटा 6.5 लाख रुपए चलान कट गया तो क्या करें वहाँ से ट्रैक्टर है ठीक है ना क्यों उसे कोई रूल नहीं फॉलो किया लेकिन आप लोगों की सेफ्टी जो है वो गवर्नमेंट क्या भी रह गए ठीक है ना आप लोगों को इसलिए ट्रैफिक रूल्स बताए जा रहे हैं ट्रैफिक नियम बताए जा रहे हैं ठीक है तो कौन से चला रहे हैं ठीक है अगर आप मान लो आने वाली साइड से जा रहे हैं ठीक है डिवाइडर के इसी तरफ से जा रहे हैं और इस तरफ से आ रहे हैं इस तरफ से जा रहे हैं तो आपका सब भी चलान होगा ठीक है और खाली चलान ही आपका एक्सीडेंट भी होगा चलान तो तब होगा जब आप रूल फॉलो करते हैं लेकिन रूल ना फॉलो करने का एक और ज़्यादा क्रिटिकल आपकी लाइफ में है कि आप लोग की लाइफ भी सेव नहीं है क्यों सामने वाली गाड़ी अगर अनबैलेंस होगी और आपसे टकरा गई डेथ ऑन द स्पॉट ठीक है ये वन वे का रूल है इसके अलावा और कोई नियम बताएगा एक प्रोहिबिटेड एरिया सुना है ना प्रोहिबिटेड एरिया जिस एरिया में आप लोगों ने नहीं जाना या जाना है तो कुछ पोर्शन के साथ जाना है कुछ सावधानियों के साथ जैसे कि स्कूल हो गया आपका स्कूल ठीक है स्कूल के अलावा आपका हॉस्पिटल हो गया पुलिस स्टेशन हो गया ठीक है कोर्ट हो गया ये जो भी स्टाइल के हैं जो पब्लिक प्लेसेस हो गया जहाँ जनता का आना जाना है जैसे आपके स्कूल में आप लोग आते हैं बच्चे कोर्ट में लोग आते हैं ठीक है हॉस्पिटल में